सभी को राम राम और नमस्कार। सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। आज दिवाली का त्योहार है। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। मंदिर खूब सजाए हैं हमारे बच्चे नागरिक लोगों ने। क्या कहना चाहोगे जी दिवाली के अवसर पर? दिवाली के अवसर में ये है, आज के दिन भगवान राम ने लंका के रावण को मार करके अयोध्या वापस हुए हैं। इस वजह से जो है दीपावली मनाई जाती है और जग माताएं उनके आरती उतारा और पूरे नगर में जगमगाहट आई। आज गांव वालों ने जो दिए लगाए, बहुत कैसा लगा गुरुजी? बहुत बढ़िया लगा। गांव और नागरिक हमारे सब सुख शांति रहे, बहुत अच्छा मदद किया है। और जी, और कोई समस्या है जी गांव मंदिर में? कोई समस्या नहीं है नागरिक में। सही है जी। कितने दिए जलाए हैं जी? अरे 1100 दिया है। 1100 दिया? हाँ, 1100 दिया जल रहा है। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? मुझको 8 साल हो गए, 9वां चालू है। तो 8 साल में कैसा लगा आपको? 8 साल हरियाणा सबसे प्रथम आज दीपावली मनाई गई है। सबसे बढ़िया दिवाली, दीपों से आज प्रथम दीपावली। आज आपका सपना था जी, एक किस्म का आपका यहाँ सपना, आज सपना ज्यादा साकार हो गया। आज एक जो कुछ रह गया है, हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, तो भी पूरा होगा। आज दिवाली में कितने कितने दीवे जलेंगे जी बताइए? दिवाली में 2100 दीवा जलेगा। 2100 दीवे जलेंगे, रिकॉर्ड टूटेगा आगे से आगे। रिकॉर्ड टूटेगा। आज एक फैमिली की तरह मनाया गया है। भगवान हमारे जो है परशुराम जी बच्चों को रोटी रोजी दें, 2100 दिया जलेगा। 2100 दिया जलेगा। धन्यवाद मांग रहा हूँ बच्चों के लिए। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। भगवान परशुराम जी मंदिर में आज दिवाली के शुभ अवसर पर 1100 दिए लगाए गए हैं और जो फ्रंट पर है आपके, तो बिल्कुल बहुत ही अद्भुत नज़ारा। हम माता जी के मंदिर में भी चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं। ये रात के अंधेरे में बिल्कुल जगमग दिखाई दे रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर। मंदिर के अंदर चलने पर देखिए बिल्कुल जगमग दिखाई दे रहा है भगवान परशुराम जी मंदिर। चारों तरफ जित भी आपकी नज़र जाएगी, बिल्कुल सजा दिया गया है। ये माता जी के मंदिर में चारों तरफ जगमग बिल्कुल दीवे लगाए गए हैं और मतलब एक अद्भुत दृश्य है। भगवान परशुराम जी मंदिर, माता जी के मंदिर में आए हुए हैं। ऊपर भी देख सकते हो लाइटिंग की गई है। दिवाली को बिल्कुल फैमिली की तरह मनाया गया है। बिल्कुल गाँव वाले का सहयोग है। माता जी का दरबार सजा हुआ है बिल्कुल। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय माता दी। भगवान परशुराम मंदिर जी को आज सजा दिया गया है 1100 दीवों के साथ। आइए जानते हैं एक भाई से किस उपलक्ष्य में सजाया गया और क्या खुशी व्यक्त की गई है। सभी को नमस्कार। दिवाली के इस पावन अवसर पर जो हमारे परशुराम के मंदिर में जो 1100 दिए जलाए गए आज, और आप खुद देख सकते हैं कि मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये भाई नमस्कार जी, आप भाई क्या कहना चाहोगे? आज इतनी सेवा की है भगवान परशुराम मंदिर में 1100 दिए जलाए भाई, बहुत बढ़िया। पहली बार काम हुआ है। किस खुशी में खिला रहे हो ये भाई? हैप्पी दिवाली भाई, आप दिखाओ भाई। देखिए फैमिली की तरह हैप्पी दिवाली मना रहे हैं, पूरा गांव ने सपोर्ट किया भाई। कितने दिए लगाए हैं? 1100 दिए लगाए भाई, पूरे 1100 दिए लगाए हैं। और कुछ खास बात बताएंगे दिवाली के अवसर पर? दिवाली का उत्सव यही खास बात है। खास बात भाई ये मंदिर सिंदरी दिखाओ, मंदिर सिंदरी दिखाओ। ये त्योहार सबसे खास होता है और इसमें मतलब ये खुशी बांटते हुए दिवाली की शुभ खुशी भाई ने खुशी बांटी, क्या कहना चाहोगे भाई? बहुत बढ़िया लगा जब कोई याद करते हैं अपने भाई, इनको और खिला रहे हैं खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत खुशियाँ बांट रहे हैं। बिल्कुल भाई, बहुत मतलब भाई साहब सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को, पूरे हरियाणा को, पूरे गांव खंडा की तरफ से सभी भाई। मतलब आज का दिन भाई इतना स्पेशल है कि आज का दिन मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए त्योहार है। दीपावली का एक अलग ही महत्व होता है, खुशी है, कोई अदा नहीं कर सकते हम खुशी को। दिवाली के एक शुभ अवसर पर क्या कहना चाहोगे? 16 साल से मंदिर सेवा में भाई, मेरा भाई। भाई क्या कहना चाहोगे? बाबा जी की सेवा करते हैं आप, बहुत अच्छा फील हो रहा है। गांव राम का सपोर्ट है, धन्यवाद। जो हमारे बच्चे भाई है वो लगभग 16 साल से बाबा जी के पास रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं। आप खुद देखो इनका जुनून कितना। हाथ अकेले ने 1100 दिए जलाए हैं इसने मंदिर में, 1100 और पूरे 1100 दिए जलाए इस बच्चे ने। इसको कुछ नाम दिया जाएगा गांव की पंचायत की तरफ से, खंडा गांव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की।
और साथ ही एक दिया भाई हम दोनों भाइयों ने जलाया जो पूरे गांव की तरफ से पूरे गांव अमेरिका में हमारे भाई जो बाहर है बाहर की कंट्री में जो फौजी भाई है उनके लिए सरहद उसके लिए भी लगाया है भाई अगले और अमेरिका में जो भाई जा रहे हैं। जय हिंद सभी को, सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली सभी भाइयों को और जो हमारे भाई विदेश में बैठे उनको भी हैप्पी दिवाली और हमारे आर्मी के जवानों को भी हैप्पी दिवाली। धन्यवाद, जय हिंद भाई साहब। ये बच्चे सेवा में लग रहे हैं और दीवे लगाए जा रहे हैं। 1100 दिए पूरा भगवान परशुराम मंदिर सजा दिया गया है और सभी चारों तरफ दिए लगा दिए गए। शनिदेव महाराज जी यहाँ पर भी दिए लगा दिए गए हैं। तो शुभ दीपावली सभी को और ये कृष्ण देवी महाराज जी भगवान परशुराम मंदिर जी को आज सजा दिया गया है बिल्कुल 1100 दीवों के साथ अद्भुत बिल्कुल अच्छे से शुभ दीपावली मनाई गई है। और मैं गांव वाले भाई साहब राम राम भाई साहब जय भगवान परशुराम जय माँ वैष्णो देवी। आज किस उपलक्ष्य में दीवे लगाए जा रहे हैं भाई साहब? आज बहुत ही खुशी का दिन है, दिवाली का त्यौहार है तो हमारे गांव खंडा में पहले तो सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को पूरे हरियाणा को मेरे पूरे गाँव खंडा की तरफ से हैप्पी दीपावली भाई। यही कितने दिए लगाए जा रहे भाई साहब? हमने कम से कम 2200 दिए लगाए हैं और आज लगाने अभी भी चल ही रहा है काम भाई चारों तरफ। भाई साहब सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को पूरे हरियाणा को पूरे गांव खांडा को हैप्पी दीपावली। आज बहुत ही खुशी का दिन है और यहां पे हमारे गांव खांडा में बच्चे 2200 दिए जला दिए भाई साहब, छोटी बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? कर रहे हैं भाई साहब इसके लिए जितने भी भाई यहां पर सेवा कर रहे हैं मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी को बोलता हूँ भाई साहब हैप्पी दिवाली, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी यात्रा अच्छी हो। और भाई एक और भाई भाई जो हमारे गांव के बाहर गए हुए हैं विदेश में उनके लिए एक जो सरहदों पर है फौजी उनके लिए क्या कहना चाहोगे? फौजियों के लिए भी सलूट भी है भाई दिल से और पूरे जो इस टाइम बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए हैप्पी दीपावली। बढ़िया सेवा हो रही है। और कैसे लोग कैसे लगे दिवाली के अवसर पर क्या कहना चाहोगे? इतने दिए लगाए हैं सिपुल है ऐसे दिवाली के अवसर पर मंदिर को सजाएगा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पता नहीं हमको पता नहीं क्या कहे। कब आए हो हरियाणा में? कब आए हो? 15 दिन हो गया। कैसा लगा हरियाणा? बढ़िया है। गाँव कैसा लगा आपको? सही है। अच्छा मंदिर सेवा होती है। पांडे बाबा जी है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया बाबा है, सही बाबा है, काम सही चलाते हैं। हाँ सही चलता है। आप भी सन्यासी हो तो क्या कहना चाहोगे? ठीक है। सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब जितेंद्र श्री राम है, भाई साहब ने लाइब्रेरी भी की थी पहले, तो दिवाली के अवसर पर क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब अब की बार जो दिवाली पे मंदिर में बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है हमारे गुरु जी ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। हमने बाहर भी देखा कहीं ऐसे जहाँ अपने गाँव में हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब की बार 1100 दिए लगाए गए हैं। बहुत ही बढ़िया, 1100 से भी ज्यादा लगे हुए हैं और गांव का बहुत सहयोग है। एक फैमिली की तरह मनाया गया है ये दिवाली। बिल्कुल फैमिली की तरह सारा गांव का पूरा सहयोग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गांव में। गुरुजी 8 साल से यहां पर सेवा कर रहे हैं मंदिर में, क्या कहना चाहोगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं और इनका बहुत बढ़िया स्वभाव, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्वभाव है और मंदिर को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करके रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गाँव इसका पूरा। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। 8 साल से है पिछले, तो मतलब कभी भी बच्चों को ये नहीं होने देते कि एक मतलब एक बाप की तरह एक माँ की तरह प्यार देते हैं जब भी हम मंदिर में आते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। और कोई भी पावन त्यौहार हो तो गुरुजी दिल से ही पूरा सपोर्ट करते हैं। और अब की बार 1100 दिए जलाए हैं तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो हमने मतलब गुरुजी का पूरा सपोर्ट रहता है। हर त्यौहार पे ही इनकी इच्छा रहती है, इन्होंने बोला था कि बेटा दिवाली पे जलेंगे, तो हमने कोशिश की और माँ वैष्णो देवी की दया से भगवान परशुराम की दया से हमने दिए जलाए हैं। और अभी गुरुजी ने बोला जो 2100 दिए तो हम जलाएंगे भाई, अगर रिकॉर्ड टूटेगा आगे से आगे बिल्कुल टूटेगा। गुरुजी की हर तमन्ना पूरी होगी, माँ वैष्णो देवी हमारे साथ है। हाँ। रोटी और रोजी लगे, गुरुजी हमेशा ही कहते रहते कि हर बंदे की रोजी रोटी लगेगी, तो लग भी रही मतलब है। भगवान के प्रति जो आस्था है वो बढ़ेगी। हाँ, बढ़ रही है और हमारे गाँव में हमेशा से ही प्यार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एकजुट होकर सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव सोच जाती है।
अच्छी थिंकिंग बनी रहती है सब। और आखिरी बार ये जाते जाते यही कहेंगे पूरे हरियाणा को, पूरे भारतवर्ष को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। हाँ, धन्यवाद भाई।